नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल औषधि एंड हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे SMH प्लस सस्पेंशन के बारे में। यह जो सस्पेंशन है दोस्तों, दर्द और बुखार के लिए दवा है, या छोटे बच्चों के लिए है दवा। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसका यूज किन रोगों में किया जाता है, इसमें कौन सा कंटेंट मिलाया गया है और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं और इसके डोज के बारे में बताएंगे। आप जो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए लास्ट तक देखें तभी आपको इस सस्पेंशन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल पर जाना दवा घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स संबंधी जानकारियाँ मिलेगी। अब बात करते हैं SMH प्लस सस्पेंशन के बारे में। यह जो सस्पेंशन है आपको एक बॉटल में 60 ml मिलेगा और 60 ml का जो प्राइस है आपको 54.50 रुपये मिल जाएगा। यह दवा जो है आपको सभी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस दवा को जो है लुपिन लिमिटेड कंपनी बनाती है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कौन सा कंटेंट मिला हुआ है। इसमें जो है एसिक्लोफिनेक 50 mg, पैरासीटामॉल 125 mg मिला हुआ है। अब इस दवा के यूज़ के बारे में जानते हैं, इसका यूज़ किन रोगों में किया जाता है। यह दवा छोटे बच्चों के लिए यूज की जाने वाली दवा है। यह दवा जो है दर्द और बुखार में यूज होती है। अगर छोटे बच्चों को जो है दर्द हो रहा हो, बुखार हो, सर दर्द हो, दांत दर्द हो, फूड़ा फुंसी का दर्द हो या शरीर में कहीं भी दर्द हो, इसका यूज कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करते हैं। इसके डोज के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इस दवा का सेवन करें। इसे जो है 2 साल तक के बच्चे जो है 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार ले, डॉक्टर के सलाह के बाद ही। इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। उल्टी या मितली हो सकता है, शरीर में जो है लाल दाने निकल सकते हैं, दस्त हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।